शरा के थकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हाँ भाई, शादी का घर है, काम की कमी तो होगी नहीं, लेकिन मिसेस बरहरा, आपके बिजी शेड्यूल की वजह से आपकी कमी जो महसूस हो रही है उसे याद से पूरा करना पड़ेगा। भूलेगा मत शादी के बाद, वो भी सुख समय। प्रेम जी, मुझे इतना भी प्यार मत कीजिए कि मेरा फैसला कमजोर पड़ जाए। मानवी बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी नजरें किसको ढूंढ रही है, लेकिन बेटा जीविका के और भी तो जिम्मेदारियां हैं। वो अब सिर्फ तेरी बहन ही नहीं है, इस घर की बहू भी है। किसी ना किसी काम में उलझ गई होगी तो फिक्र क्यों करती है, आ जाएगी। दीदी के देवर से शादी करने की इतनी बड़ी सजा, मेरी खुद की शादी में मेरी अपनी दी गायब है। लो, उसके बाद इन्हें जला दियो, ठीक है? ठीक है। अरे तरुण, तरुण कहाँ रख रहे हैं यार? लोग आने जाने में दिक्कत होगी, एक काम करो यहाँ ले लो। सुंदर, ये यहाँ रख दो, ये वहाँ पे रख दो, और वापस आ जाओ। हाँ भाई, आराम से, अच्छी तरह से सबको सजा देना। हाँ, लगना चाहिए शादी का घर है, है कि नहीं? सब कुछ टाइम से हो जाएगा मेरे हिसाब से। चाची आगे लगवा दो, सारे डब चकना चुरो गए तुम्हारी वजह से। मैं तो अच्छा से जा रही थी, अब सब कुछ अब मेरा ही दोष है, हैं? खुद को देखो, इन डब्बों को देखो। अरे अपने से ज्यादा वेट उठाओगी तो ऐसा ही होगा ना। एक तो शादी वाले घर में मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से ज्यादा मत बोलिए। मम्मी, डब्बों को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ चाची, रिलैक्स। अरे वहाँ नहीं रखो, अरे हे भगवान, तुम लोग को कितनी बार। अंधे हो क्या विराट, देख के नहीं चल सकते हो? हाँ, कुछ दिनों में मेरी शादी, मेरी नाक टेढ़ी हो जाती तो मार दिया इतनी बुरी तरह। तुम आत्माओं की तरह भटकते क्यों रहते हो इधर से उधर, चैन से बैठ नहीं सकते? बैठ सकते हो, लेकिन क्या है ना, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। कौन सा काम? आओ, बता। पर कहाँ लेके जा रहे हो विराट? पर बात सुनोगे नहीं, बात कहाँ लेके जा रहे हो? ये आप गार्डन में क्यों लेकर आए हो मुझे? कुछ देखने। ओ, ये फूल? ओ, नो। काटे? नो। वो क्या है ना, मुझे पता चला है कि तुम्हारी कुछ फ्रेंड्स आई होंगी ऋषिकेश से, जो बहुत सुंदर, सो उन्हें देखने आया हूँ। ओ अच्छा, शायद तुम सरिता की बात कर रहे हो। तुम्हें उसको गौर से देखना था तो इतना टाइम वेस्ट क्यों किया मुझे यहाँ बुला के? मैं काम करती हूँ, मैं उसे भेज देती हूँ, जी भर के देखना उसे, प्यार से देखना, अच्छे से देख देना। हाँ, क्या हुआ विराट? मैं सरिता नहीं हूं, ऐसे मत देखो। तुम मेरी सरिता, मेरी राधा, सब कुछ तुम। वो क्या है ना, आज के बाद हम डायरेक्ट शादी वाला दिन मिलेंगे, सो मैंने सोचा कि तुम्हें यहां पर लाके जी भर के देख लूं। मेरे कृष्ण का नहीं है, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम शाहरुख खान की तरह मुझे रोमांटिक नजरों से देखोगे और मैं काजोल की तरह पिघल के तुम्हारी बाहों में चली आऊंगी तो तुम बिल्कुल सही सोच। मानी हट, हायो रब्बा, हाथ धोती है बेशर्मों की। अरे शादी से पहले एक दूसरे से नजरे नहीं मिलाते हैं और यहां दोनों एक दूसरे की बाहों में हो। हाय ओ रब्बा, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हाय हाय, तुम दो दिन इंतजार नहीं कर सकते? चाची चाची रिलैक्स, हमारी भावनाओं को समझो ना। हाय हाय, तेरी भावनाओं को समझूंगी? अरे बच्चों, सारी उम्र के लिए तो छोड़ दिया तुम दोनों को, इसीलिए तो इतना सारा तामझाम शादी हो रही है। दो दिन का इंतजार कर लो ना, और वैसे भी अगर किसी ने तुमको इस लैला मजनू वाले पोज में देख लिया तो इसके साथ-साथ मेरी भी हो जाएगी। चल मानवी, चल, तू यहां क्या खड़ी है? हट दे तू बेशर्म, चल मानवी, मेहंदी का समय होता जा रहा है, चल।
को भी अभी आना था, ऐसे कभी टाइम पे नहीं आएंगे, आज टाइम पे आएंगे। गुड राइट। और वो साइड भी लगा देना ठीक है। चलेगा सारी सजावट घर में चहल पहल देखकर। पता नहीं मेरा भी जी कर रहा है कि फिर से सहरा बांध के घोड़ी पर चढ़ जाऊं और फुल बैंड बाजा बारात के साथ में सात फेरे फिर से लगे। तो कर लीजिए ना वीरेन जी, किसी ने आपको रोका है क्या? आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लीजिए। मैडम लेकिन वो जितनी भी ख्वाहिशें हैं आपके बगैर थोड़ी पूरी होंगी। तुम्हें क्या लगा मैं किसी और की बात कर रहा हूं? ऐसा ख्याल मेरे जहन में क्या, मेरे सपनों में मैं नहीं आ सकता। तुम्हारे साथ जो साथ वचन लिया ना मैं साथ चलू तक पूरा करूंगा। वीरेन जी वो बहुत काम है, मैं निपटा कर आती हूँ। हाँ भाई शादी का घर है, काम की कमी तो होगी नहीं। लेकिन मिसेस वढेरा आपके बिजी शेड्यूल की वजह से आपकी कमी जो महसूस हो रही है उसे याद से पूरा करना पड़ेगा। भूलेगा मत शादी के बाद, वो भी सुख समय। वीरेन जी मुझे इतना भी प्यार मत कीजिए कि मेरा फैसला कमजोर पड़ जाए। विराट चलो हल्दी। अरे मॉम मैं आपका ही वेट कर रहा था, मेरे बटन कहाँ मिल नहीं रहे मुझे। विराट तुमने बटन्स के चक्कर में अपने कमरे का ये हाल किया? अरे मॉम तुम्हारा बेडरूम है विराट, कोई कबाड़ खाना नहीं है। मुझे पता है मॉम मगर क्या करूं, मुझे बटन मिल नहीं रहे थे तो मैंने ये सब कर दिया। फिर मैं हार गया थककर, फिर मैं वीडियो गेम खेलने लगा। सॉरी विराट तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। अब विराट तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ ही दिनों में कोई अपना पूरा जहान छोड़कर तुम्हारे साथ इस कमरे में आने वाली है, वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? रिलैक्स मान भी जानती है मैं थोड़ा कैफ्री किस्म का लड़का हूँ इसलिए। नो विराट तुम्हें अब केयरफुल होना होगा बेटा और जिम्मेदार बनना होगा। तुम जरा सोचो कोई अपने सारे रिश्ते नाते अपनी सारी यादें भुलाकर तुम्हारे पास आ रही है तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, तुम्हारी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए, अपनी पहचान भुलाकर तुम्हें एक नई पहचान देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आ रही है बेटा। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है तो तुम उसके लिए थोड़ी सी आदतें नहीं बदल सकते? बदलूंगा मां बटन्स। ये देखो यही रखे थे बटन्स, ध्यान से देखते मिल जाते। थैंक यू मॉम। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे ये सब भाषण क्यों दे रहे हैं। आप चाहते हो कि शादी के बाद मैं आपका पीछा छोड़ दूं? मैं आपसे ये ना पूछूं कि मॉम मेरे बटन्स कहाँ हैं, मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, मेरे शूज कहाँ हैं, राइट? और क्या, अब बचपन से तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखती आ रही हूँ तो अब घर में बहू आ रही है तो मुझे इतना आराम तो मिलना ही चाहिए ना विराट। ये पॉसिबल नहीं मॉम, क्योंकि मेरे बच्चे भी हो जाए ना फिर भी आपको हमेशा इस बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। रखोगी ना? जरूर। थैंक यू। अब चलो जल्दी से, थोड़ी देर के लिए तो बड़े हो जाओ, हल्दी का टाइम हो रहा है। जल्दी 2 मिनट्स में आता हूँ, मैं बटन्स लगा के आता हूँ। मेरे बटन्स मिल गए। रुको आ गई हल्दी। रुको और अब लगेगी हमारे विराट वगैरह को हल्दी। चाची प्लीज इतनी हल्दी ला के मुझे हल्दीराम नहीं बनना फिर ना चाची। शादी करनी है तो हल्दी तो लगानी पड़ेगी। मानवीत भी हल्दी लगा रही है लेकिन वो तो आपकी तरह नहीं भाग रही। अरे मेरे शिरोक वो लड़की है उसे इन सब में मजा आता है, वो हल्दी क्या नमकीन मिर्ची पाउडर कुछ भी नहीं भागी, मुझे मजा नहीं आती। रस में ना मैं मना नहीं करा, मैं लगवा लेता हूँ लेकिन क्या हो रहे हो? ये क्या हो रहा है इस घर में, क्यों चूहे बिल्ली की तरह सब लोग भाग रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजी, वो विराट की हल्दी की रस्म है इसलिए।
ये हल्दी की रस्म मनाने का तरीका है। चलो चुप जा बैठो वहां जाके। बाबूजी मान गए। हल्दी की रस्म सबको भगा रहे हो तुम? हल्दी की रस्म तो बेटा यू मनाई जाती है। क्यों मिस्टर विराट वगैरह हो गई हल्दी है? जीविका बेटा तुम भी हल्दी लगाओ। अब मुझे मनु के पास जाना चाहिए, वो मुझे जरूर मिस कर रही होगी। जीविका तरुण से कहना छोटा सा टॉवल ले आए। चलो 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 हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। लेट्स गेट गोइंग। नहीं 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 हल्दी है या अलरा? इतनी हल्दी क्यों लगाओगी आप? थोड़ी सी बचा दो, रात को महाराज जी यूज कर लेंगे ना। ओह गॉड, ये रस्में बनाई किसने आखिर भी? अब मैं कहूँ कि लोग दूसरी शादी क्यों नहीं करते, इतने लफड़े हैं शादियों के चक्कर में। अरे मानवी पुत्र, हल्दी ना स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये स्किन को ग्लोइंग ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनाती है और बॉडी को ना शाइनिंग शाइनिंग रखती है। हाँ तो आपके मुझे चमका चमका के ट्यूबलाइट बनाना चाहती हो कि मैं अपने ससुराल जाके वहाँ पे 24 घंटे जगमगाऊं, उनका बिजली का बिल बचाऊं? अरे बंद कर तेरे नखरे। चलो चलो हल्दी की रस्म शुरू करो। ये ले मेरी बच्ची, बहुत सुंदर दिखेगी। मानवी बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी नजरें किसको ढूंढ रही, लेकिन बेटा जीविका के और भी तो जिम्मेदारियां हैं। वो अब सिर्फ तेरी बहन ही नहीं है, इस घर की बहू भी है। किसी ना किसी काम में उलझ गई होगी तो फिक्र क्यों करती है, आ जाएगी। दीदी के देवर से शादी करने की इतनी बड़ी सजा, मेरी खुद की शादी में मेरी अपनी दी गायब है। किसने कहा है कि तेरी दी गायब है? आप औरतों के फंक्शन में क्या? मैंने सोचा तुम्हारी हल्दी मैं भी आ जाता हूँ। थैंक यू जीजू। सी मनु, तेरी फंक्शन में मैं कैसे नहीं आती? मुझे सच में लगा आप नहीं आने वाली हो। देखो ना मेरे मेरे हल्दी का कलर भी नहीं चढ़ा अभी तक। चल कलर चढ़ाते हैं। वी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। अरे ऐसे कैसे नहीं आते बीजी? आना ही था, मानवी की हल्दी है, है? अब भाई अगर सब लगा रहे तो जीजू भी लगाएगा ना? नहीं, प्यारी साली। अच्छा प्यार से लगा लो, प्यार से लगा लो। अच्छा ओके। वाजी वाजी वाह। चल मनु अब जल्दी से मैं तुझे मेहंदी की रस्म के लिए तैयार करके लाती हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।